अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल गुड। आज मैं टिक्का मैक्रोनी बनाने लगी थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करूं। सबसे पहले मैंने पानी बॉयल करके बीच में मैक्रोनी डाल ली है। अब मैं कढ़ाई के अंदर जो है लहसुन को सोटे कर रही हूं। देन मैं चिकन डाल दूंगी। मेरे पास बोनलेस चिकन नहीं था तो मैंने जो है हड्डी वाला ही चिकन यूज़ किया है। आप बोनलेस या कीमा चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं हिलाती रहूँगी जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। मैंने गाजर और शिमला मिर्च और हरी मिर्च बारीक बारीक काटी थी, अब मैंने वो ऐड कर दी है। अब मैं इसको हिलाऊंगी अच्छी तरह से मिक्स करके। देन मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूंगी, नमक, लाल कुटी मिर्च और काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर डालूंगी और साथ चिली गार्लिक केचप भी यूज़ करूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा टिक्का मसाला, शान का टिक्का मसाला डालूंगी और चिली गार्लिक केचप मैंने बीच में डाली है। ये मैं मैक्रोनी को अच्छी तरह से स्टेन कर लूँगी, अच्छी तरह से खोल लूँगी इसको पानी से। जब अच्छी तरह से स्टेन हो जाएगी देन इसको मैं कढ़ाई में ऐड कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से हम हला लेंगे। देन जो नमक मिर्च की कमी बेशी होगी एंड पे डाल के तो दम लगा देंगे। माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी मैक्रोनी रेडी है।